Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are pretty good and staying safe. This is Yashwarya wishing you a very, very, very good morning, good afternoon, or whatever time you're watching me. So, मैंने सोचा कि आज चलो व्लॉग ही कर लिया जाए. तो अभी का सीन ये है कि मेरी बहन जा चुकी है कॉलेज और मेरी बड़ी बहन जो है वो आजकल अभी एक दो दिन हमारे साथ ही है. तो हम लोग ने सोचा कि आज इकट्ठा ही ब्रंच ही बनाते हैं एक बार में. तो वो बहुत टेस्टी एग कड़ी बनाती है, तो मैंने उसको बार बार फोर्स करके बोला कि आज तू बनाएगी. और मैंने ना मम्मा को एक बार देखा था मद्रा बनाते हुए, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है. तो थोड़ा सा दही पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं. पता नहीं कैसा बनेगा वो, तो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर करने वाली भी कैसा बनेगा. होप सो इट एंड्स वेल. यू नो वॉट गाइज, आई एम सो मच हैप्पी कि मतलब जो मैंने तुम लोग से शेयर नहीं किया था कि मैं मदरा बनाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, वो मैंने बनाया. मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बन जाएगा. वो बहुत टेस्टी बना है यार, पर वो थोड़ी सी क्वांटिटी में बना क्योंकि हम लोग के पास दही भी थोड़ा सा ही था और पहली बार एक्सपेरिमेंट करना था, तो इतना कुछ मुझे चांस लेना नहीं था क्योंकि आता ही नहीं था. तो अब मैंने अपनी बहन को तैयार किया कि प्लीज़ 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 तू भी एक करी बनाना और मैं शूट करूँगी. तो वो कह रही थी कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे मतलब वीडियो वगैरह में आना, वो थोड़ी कैमरा शाय है. तो उसने बोला कि तू मुझे मत लेना कैमरा में, बट बाकी तो रेसिपी वगैरह सब बता सकती है. तो आई एम सुपर एक्साइटेड आप लोग के साथ शेयर करने में. तो चलो चलते हैं. सो आज हम लोग बना रहे हैं एग कड़ी और अभी हम लोग का ये प्याज जो है वो रोस्ट हो रहा है. ये हमारे एग्स को थोड़ा बहुत फ्राई कर लिया है, बाकी ये और भी मसाले ऐड ऑन होंगे इसमें, तो लेट्स सी कैसा बनता है. ये अभी हम लोगों ने सारा का सारा मसाला तैयार कर दिया और ये हमारे एग्स फ्राई होके इधर रखे हुए हैं. तो अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसा बनता है. बाद में आप लोगों के साथ ये पूरी रेसिपी भी शेयर की जाएगी. सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड वन सेकेंड. I have made madra too. Oops, बहुत गर्म है. ऐसा स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इसे बोला कि मिर्ची थोड़ी सी कम है. हमें यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मिला था टेस्ट करने के लिए, तो अभी हमने मिर्ची और ज़्यादा डाली है. हम लोग ने गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है, तो हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और जब तक ये प्रॉपर ब्राउन कलर का नहीं हो जाता. तो हमें ग्रेवी चाहिए थी, तो हमने एक एग को पूरा अच्छे से स्क्रैम्बल कर लिया और थोड़े से पानी में डाला. अभी इसको गर्म होने के लिए रख दिया. उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है ऊपर से और थोड़ी सी हल्दी इसमें डाली है. और ये हमारा ग्रेवी के लिए प्रॉपर सिस्टम तैयार हो जाएगा बाय शेफ आंचल. जब तक हमारी ग्रेवी प्रॉपरली रेडी हो रही है, इसको अच्छे से बॉईल करेंगे. और अब हमारा मसाला बिल्कुल सूख गया है, इससे सारा तेल निकल गया. तो ये जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपरली रेडी हो चुका है. अब जो टमाटर हमने प्रॉपरली ग्राइंड किए थे उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ा सा इस मसाले को और पकाएंगे. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. देखो कितनी मज़े की ग्रेवी आई है इसकी. वाओ नाइस, दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. यहाँ पे ग्रेवी बन रही है. इन एग्स को हमने प्रॉपरली बीच से काट दिया था जैसे कि आप देख सकते हो. अब इसके अंदर हमने मसाले की स्टफिंग करनी है. हियर वी गो, वी आर डूइंग द स्टफिंग पार्ट. आप देख सकते हो जो स्टफ्ड एग्स हैं सारी, उनको हमने इसमें डाल देना है ग्रेवी में. और ये कुछ ऐसे से लगेंगे. मुझे तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे मुर्गी ने अभी अभी ताज़े अंडे दिए हैं. ओ यार बेचारा पानी उबल उबल के पड़ रहा है, इसकी किसी को कोई कदर ही नहीं है. थोड़ा सा चलो इन्होंने डाल ही दिया उसमें. वाओ यार इतने डिलीशियस है. तुम तो मास्टर शेफ बन सकती हो आंचल कानून को. ये मेरे व्लॉग में आना नहीं चाहती हैं क्योंकि नहा ही नहीं है ना अभी, ये बात है. मैं हमने यूज़ किया है गरम मसाला बाय श्याम. ओ माय गॉड. और ये ज़ीरा, ये शायद धनिया होता है, ये भी धनिया ही है. नमक, लाल मिर्च और हल्दी एंड दिस मैगी मसाला ऑफ कोर्स. ओ माय गॉड कितना डिलीशियस लग रहा है.
धुआं दिख रहा है तुम्हें इसका? नहीं, मेरा फोन का पटाखा ही ना हो जाए। चलो, ओ वाह। अभी इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया थोड़ा सा, अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? मैगी मसाला। ओ माय गॉड, चलो डालो। बड़ा मज़ा आ रहा है यार, वैसे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं भी काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। चलो, हो सका सीख गई काफ़ी कुछ तो। ओ माय गॉड, कैसे तैर रहा है मैगी मसाला, वाओ। अब इसको कितनी देर तक ऐसे रखना है? 5 मिनट सिंपल। 5 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पे रखेंगे, पकाएंगे। ओके, इसको हमने कवर करके रख दिया। और ये है आलू वाला मद्रा जो मैंने बनाया है, ये भी काफ़ी अच्छा बना है, बट थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया गया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अगले आने वाले व्लॉग में मैं आप लोग के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो ये हमारा मद्रा एग भुर्जी, हमारी चपातीज प्लेट्स और ये सर्विस स्पून हमारा रेडी है। और अभी हमारी एग करी बन रही है, जो कि अभी जिसको थोड़ा सा ग्रेवी सूखने में टाइम लगेगा। तो क्या हमारी एग करी भी बन के तैयार हो चुकी है। ओ माय गॉड, कितनी सिजलिंग हॉट लग रही है ना। ओह, बिल्कुल मेरी तरह। ये हमारा हॉट केस और ये हमारी बाकी की दो सब्जियाँ। तो ये मेरी प्लेट बिल्कुल रेडी है और मैं खा लेती हूँ क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है। खाना वाना खा के हमारा इतना पेट फुल हो गया था कि हम लोग भूल ही गए कि आप लोग व्लॉग कर रहे थे और मैं रिव्यू देना ही आप लोग को भूल गई कि खाना कैसा बना है। खाना बहुत ही माइंड ब्लोइंग सिजलिंग बना था और हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही खा लिया था, हमसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर वी हैड कोल्ड ड्रिंक और अभी मेरी बहन भी आ गई थी छोटी कॉलेज से, उसका कल एग्ज़ाम है तो हमने उसको फटाफट से खाना खिलाया, उसे भी बहुत अच्छा लगा। आप उसके मुँह से ही सुन लो यार खाना कैसा था। और खाना कैसा बना है? Sexy. That's it for the video, you guys. Video अच्छा लगा हो तो पता ही है तुम लोग को क्या करना है यार, मैं बोल बोल के भी थक गई पर तुम लोग करते नहीं हो। Do like, share, comment and subscribe to my channel. और ऐसी अच्छी अच्छी vlogs, videos आती रहेंगी, so stay tuned. और please यार subscribe कर लिया करो, तुम्हारा क्या ही जाता है। Bye bye, take care, शबा खैर।